है उस योजना की शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या विजन था, उस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे और कैसे ये युवाओं की जिंदगी को बदल रहा है इस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। पूरा पैनल एक्सपर्ट्स का मेरे साथ जुड़ गया है। इसमें हमारे साथ सरकार से जुड़े भी कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और कई लोगों को रोजगार देकर उन्हें भी अच्छी जिंदगी वो लोग दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पूरा पैनल है। सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त रवि पासी जी हैं, चेयरमैन हैं एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ऑफ फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। किरण धाम जी हैं, सीईओ ग्लोबस इन्फोकॉम लिमिटेड। सीपी शर्मा साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन। दीपक सयाल जी हमारे साथ हैं, स्टार्टअप कोच और इन्वेस्टर हैं। अवधेश अग्रवाल जी हैं, कोऑर्डिनेटर यूपी ईपीसीएच। और स्पर्श खंडेलवाल साहब, फाउंडर और सीईओ स्टाइल वर्क। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। लेकिन सबसे पहले रवि पासी जी, सबसे मूल सवाल कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में स्टार्टअप इंडिया ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है, तो क्या थॉट इसके पीछे रहा और अब तक कितनी कामयाबी आपको लगता है कि स्टार्टअप इंडिया में मिली है? हालांकि प्रधानमंत्री पहला शिखर सम्मेलन इस पे करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये कामयाबी की ओर बढ़ते हुए कदम है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? सबसे पहले मेरा नमस्कार। और ये स्टार्टअप्स इंडिया का जो आज प्रोग्राम है, ये बड़ा ही उचित और उचित समय के ऊपर आया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर हमारे 7 मिलियन आर्टिसंस जो छोटे तबके के हैं, जो जिनका छोटा छोटा काम है, वो काम में लगे हुए हैं, और 12,000 एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स आज की डेट के अंदर हेरिडिटरी आई, उनके पिता काम करते थे, उनके दादा काम करते थे, मगर अब मैंने ये भी देखा है कि नई जनरेशन और नए लोग भी इस स्टार्टअप्स में काफी अभी जुड़ गए हैं, क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। रीजन के एक तो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी आ गई है, और दूसरा कि डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स एंड मार्केटिंग भी काफी इजी हो गई है पहले से, और उनका बड़ा इंटरेस्ट भी है कि हम इस लेवल में, हाई लेवल के अंदर भी काम करें। प्लस जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, और जो ये भी काफी इनकी मदद करते हैं, काम करने के तरीके इनके बदल गए हैं। अगर नए स्टार्टअप्स के लिए मैं ये कहूंगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी जो यंग है वो काफी हैं। इसका मतलब इट्स अबाउट 62.5% पॉपुलेशन जिनकी उम्र 15 से लेके 59 तक है, और ये आगे भी 65% होने वाली है 2036 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय नए स्टार्टअप्स के लिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं वो भी फेवरेबल हैं, और इनको 7 साल की सिर्फ एक कंपनी खोलनी पड़ती है जिसकी एक्सपोर्ट अगर 25 करोड़ से कम है, तो ये इनको अभी जो टैक्स की भी बेनिफिट मिलते हैं। और मेरी कई लोगों से बात होती है कि जैसे आप एक फॉर एग्जाम्पल चेन्नापट्टनम में हैंडीक्राफ्ट बनते हैं जो लैकर के, तो वहां पे नए नए स्टार्टअप्स जो लड़के थे उनको मैंने देखा है, उन्होंने क्या किया है कि इनको बजाय के जो ट्रेडिशनल चीजें हम यूज करते थे, आज की डेट के इन्होंने क्या किया है कि अपने घरों के अंदर उनकी टेबल बना ली, वॉश बेसिस बना लिए, एंड दे आर डूइंग इन ए बेस्ट वे, एंड दे आर अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी फॉर दैट फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो। ठीक है, सीपी शर्मा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए एक शख्स है जिसके पास आइडिया तो है, जिसके पास विजन है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये स्टार्टअप इंडिया योजना किस तरीके से उसकी मदद करती है? फाइनेंस की एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में, बैंकों के थ्रू ही ये सब लोग लेते हैं, लेकिन बैंक बहुत कम देता है। मेरा ये मानना है कि अनसिक्योर्ड लोन सरकार को इस तरीके से माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे या जो नए यंगस्टर आजकल ई कॉमर्स के थ्रू और नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, नया ब्रांड्स ला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ 15 से 20 लाख ऐसे कोई लिमिट होनी चाहिए जो अनसिक्योर्ड लोन बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी तरीके की परेशानी के उपलब्ध कराए नए स्टार्टअप के लिए। तो इसके अलावा देखिए, उनके लिए नए स्टार्टअप के लिए हम लोग जैसे एक्सपोर्टर हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, हम लोगों के पास नया विजन होता है, नए प्रोडक्ट होते हैं, नई क्वालिटी होती है, उस तरीके के प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करवाएं उनसे,
ताकि ये प्रोडक्ट हमारे पास जो एक्सपोर्ट ही होते हैं केवल यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में, वो हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले। तो ये नए स्टार्टअप के जी सबसे बड़ी समस्या नए स्टार्टअप के सामने आती है, मेरी कई लोगों से बात होती है नोएडा और उत्तर प्रदेश में, कि कॉस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल बड़ा महंगा है, इसलिए हम लोग जो ई कॉमर्स पे स्टार्टअप पे नया माल बेचते हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जैसे चाइना इतना कॉम्पिटेटिव प्राइस पे माल बेचता है और वो मौके अब हमें हिंदुस्तान में मिलने जा रहे हैं, तो हमें प्राइस कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमारा प्राइस का जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है वो बहुत कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए, इसमें सरकार जो भी साथ दे सकती है इसके लिए, तो जितने भी हमारी जैसे काउंसिल्स हैं वो काफी हेल्प करती हैं सरकार को, समय समय पे सूचनाएं देती हैं क्या क्या हमें सरकार के लिए हमारे लिए करती है सरकार, इसमें कॉस्टिंग बहुत जरूरी है कि कॉस्टिंग हमारी कॉम्पिटेटिव हो, डिजाइन प्रोडक्ट हमारा जीरो टॉलरेंस हो, क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, इस पे हमें जोड़ देना चाहिए, तभी हम लोग नए स्टार्टअप में कामयाबी पा सकते हैं। किरण जी, आप सीईओ हैं ग्लोबस इन्फोकॉम की, आपका अपना एक स्टार्टअप है, आपका अपना एक आइडेंटिटी है, आपकी अपनी एक पहचान है, इस तरह की जो योजनाएं हैं ये कितनी अच्छी रहती हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कैपिटल के मामले में दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ती है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ, कैसे आप आगे बढ़ी, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नमस्कार सबको, सबसे पहले तो जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत लर्निंग रहा, जर्नी बहुत अच्छी है, इनसाइटफुल है, और हम जहां तक आज पहुंचे हैं, हमें 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, हम एक ही यू नो पॉइंट पे पहुंचे हैं, वो है इनोवेशन, और जो जिस तरीके के प्रोडक्ट सोल्यूशन हम मार्केट में ऑफर करते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम हमेशा यही अब कोविड के बाद को और इन सॉल्यूशंस की हम एक यू नो वी हैव सीन अ राइज इन नीड ऑफ दीज सॉल्यूशंस। तो जब हमने शुरू किया था हमारे पास एक लिमिटेड प्रोडक्ट बास्केट थी, और आज हमारे पास सारी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज है, एक ही चीज हमारे दिमाग में थी, वो थी विश्वास, और विश्वास हमें आज यहाँ तक लाया है, गवर्नमेंट का पूरा साथ रहा है, कोविड के टाइम पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया, जो बहुत ही पॉजिटिव दिशा दिखाई, एक पॉजिटिविटी आई, एक हमारे अंदर भी इच्छा जागी कि हमें एक भारतीय होने और पूरा विश्वास जागा। देखिए, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बिल्कुल स्किल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। आत्मनिर्भर अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी अनाउंस किया तो उसके लिए हम अब एज एन इंडस्ट्री सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि इंडिजिनाइजेशन पे काम करना चाहिए। तो इंडिजिनाइजेशन क्या होता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर्स बनने चाहिए, सो दैट कॉम्पोनेंट्स जो हम अभी बाहर से सोर्स कर रहे हैं वो हम खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करें, मेक इन इंडिया, अपनी जो हमारी एक एक स्टेप है वो हमें सबको मिलके साथ में उसको अचीव करना है, और मुझे लगता है कि हम अचीव कर पाएंगे, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने स्किल के प्रति, अपने मतलब जैसे हमारा एक स्किल है कि हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, हम ऑनलाइन सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, कोविड के दौरान हमने देखा कि एडुकेशन एक फिजिकल क्लासरूम से ऑनलाइन क्लासरूम पे चली गई और बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, और टेक्नोलॉजी और एडुकेशन का अब ऐसा एक साथ हो गया है, तो हम एक ग्लोबस एक मेक इन इंडिया ब्रांड है, तो हम बस इतना ही चाह रहे हैं कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी परचेज गाइडलाइंस में डाला जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि हम और आगे बढ़ सकें और हम एज अ कम्युनिटी इसको अचीव करें। ठीक है दीपा सयाल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, चूंकि आप एक स्टार्टअप कोच भी हैं,
पहले और अब की परिस्थितियों में कितना डिफरेंस पाती है, क्योंकि 5 साल पहले इस स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी एक विजन के साथ कि एक बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है, और एक ऐसे कॉम्पिटेटिव मार्केट में अगर सरकार कुछ करे, कम से कम एक कैपिटल एक ऐसे युवा को दे जिसके पास थॉट है, जिसके पास विजन है, जिसके पास विश्वास है और आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है। तो पहले 5 साल पहले की परिस्थितियां और 5 साल अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या देखती हैं? नमस्कार, मेरा नाम दीपा सैल है जी। तो मैं कहूंगी कि आज हम थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अगर हम देखें, और माइंडसेट में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि हमारे इतने सारे स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया में इतना कुछ आया है हमारा, और अटल इनोवेशन मिशन है जो इतना कुछ कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि एक जो माइंडसेट चेंज आ गया है, एक वेव आ गया है हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारे जो यूथ है, जो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक नई किरण नजर आ रही है कि हाँ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज है और अवेयरनेस लेवल बहुत हाई है। जैसे स्टार्टअप इंडिया में आपका डीपी आईआईटी जो सर्टिफिकेशन है, उसमें नया इनोवेशन चैलेंज बच्चों को प्रेरित किया गया है हर बारी लाने के लिए कुछ नया। तो मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमने काफी बड़ा लंबा सफर तय किया है कि सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने में, और कोविड में तो और भी डिजिटल जो है बहुत फास्ट तरीके से और आगे आया है लोगों को सबको जोड़ने में। तो ऐसे में टेक इनोवेशन है, जैसे टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन है, आईओटी है, ऐसे बहुत सारे माध्यम है जिसमें हम बाहर के मुल्कों से जुड़ाव हमारा हो गया है। क्योंकि जैसे कंपनीज आ रही, टेस्ला आ रही है, आईफोन ने सेटअप कर लिया है, तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी भी आया है चाइना के कंपैरिजन में, और ये सब मिलके एक नया इकोसिस्टम शुरू हो गया है जिसमें कि आज भी हम करीबन 25 स्टार्टअप से मिले हैं सुबह से अभी तक, और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, जैसे प्रोग्राम ये जो आपके बिजनेस स्कूल्स हैं, आईआईएम्स हैं, आईआईटी हैं, और बच्चे अभी निकले भी नहीं है स्कूलों से और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज है उनके पास। कोई बैटरी बना रहा है, कोई एआई बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई आपको इनोवेशन पे साइकिलिंग पे काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है ऑर्गेनिक। तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और डिजिटल के माध्यम से मुझे लगता है कि इनोवेशन जो है बहुत बड़े तरीके से हिंदुस्तान में कदम रख रहा है, और हम एक नया भारत देखेंगे अगले आने वाले कुछ सालों में, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता बहुत लोगों में आ गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और जो प्रधानमंत्री जी अब प्रारंभ में जो आने वाले स्टार्टअप में जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड ये चीज। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि और हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारा इंडेक्सेशन अच्छा है, वर्ल्ड बैंक ने हमें बेटर रैंकिंग दिया है, और इसी को बढ़ावा देते हुए सरकार जो काम कर रही है करती रहे। बिल्कुल, अवधेश अग्रवाल जी के पास मैं चल रहा हूँ। अवधेश जी, मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज पर इसकी आना चाहूंगा, और मतलब ताकि चीजें और आसानी से जो लोग हमारा शो देख रहे हैं उनको समझ में आए। कभी जब भी कोई एप्लीकेशन एक आती है, एक थॉट को लेकर, एक आइडिया को लेकर, या किसी की भी एप्लीकेशन आती है, स्टार्टअप इंडिया के तहत कोई आवेदन करता है, तो उसमें प्राइमरीली क्या चीजें देखी जाती हैं कि हाँ, इनको पैसा देना है, नहीं देना है, अप्रूवल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, वो क्या बारीकियां होती हैं, वो क्या चेक पॉइंट्स होते हैं जिसको देखा जाता है? नमस्कार सर, मैं अवधेश अग्रवाल जी। अवधेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो समय का जो ये परिवर्तन, जो ये चक्र घूमा है इस 5-7 साल में या कोविड के बाद, सबसे पहली बात तो हम स्वदेशी हो गए हैं जी। हम देशी पहले भी थे, लेकिन अब हम पूर्णतया स्वदेशी हो गए। जहां तक मेरी जानकारी और मेरी नॉलेज है कि जितनी भी एप्लीकेशंस नए माध्यम से गवर्नमेंट के सामने उद्योग विभाग की तरफ से या लोग प्रार्थी रखते हैं, उसमें पहला क्राइटेरिया यह है कि आदमी काम करने वाला है या नहीं, उसकी क्षमता क्या है काम करने की, उसकी लगन क्या है काम करने की। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के आज भी मुहैया कराया जाता है किसी भी नए उद्यमी को काम करने के लिए, जिसके ऊपर सरकार द्वारा 25% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। तो अब सिर्फ क्या है, हमारी इच्छा शक्ति की कमी रह गई है कि हमें काम कैसे करना है। न पैसा देने वालों की कमी है, न काम देने वालों की कमी है, न टेक्नोलॉजी की कमी है हमारी, चाहे वो राज्य सरकार है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मुरादाबाद में आप ये समझ लीजिए कि 3,000 एक्सपोर्टर्स हैं और 3 लाख कारीगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों से जुड़े हुए हैं एमएसएमई के माध्यम से, और ओडीओपी जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ का कार्य लगभग 40%
इन आने वाले ही दो सालों में बढ़ चुका है। सरकार की तरफ से हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है, हर तरह की सब्सिडी दी जा रही है और चीजों में पारदर्शिता लाई जा रही है। जी, जितनी भी चीजें पहले मैनुअल होती थी उसमें बेईमानी की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। जी, अभी अगर मेरा बेटा भी है तो वो मुझसे ये कहता है मुझे 10,000 रुपए कैश नहीं चाहिए, आप मेरे कार्ड में डाल दीजिए, मैं जो भी कुछ खर्च करूंगा कार्ड से कर। बिल्कुल, तो चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं, कहीं भी परेशानी नहीं। परेशानी सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की है कि हमें अपने भारत को कैसे बड़ा बनाना है और हमें इसको कैसे आगे लेके जाना है। तो मेरा तो अपना बहुत संतोष है इस मामले में कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या और भी जो भी सरकारें हों, उनका एक बहुत सकारात्मक रोल है ट्रेड को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए और अपने कारीगरों को बढ़ाने। तो मैं तो इसको बहुत बड़ा एक कदम मानता हूं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है बड़ा कदम है, क्योंकि युवाओं को प्रेरित भी कर रहा है और युवाओं को एक तरह से एक एक एक, एक बेस भी मुहैया करा रहा है कि ठीक है, आपके पास अगर विचार है, आपके अंदर करने की शक्ति है तो ठीक है, सरकार आपके साथ है, कि भरोसा सरकार दे रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, भरोसा अगर मिल जाए सरकार का तो फिर आदमी ना जाने क्या से क्या कर जाए। वैसे भी कहते हैं ना, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। स्पर्श खंडेलवाल जी, आपको लगता है कि इस योजना के आने के बाद, 16 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की, उसके बाद चैलेंजेस कुछ कम हुए हैं? अगर अपना कोई उद्योग सेटअप करना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो अगर हम पिछले की तुलना में देखें तो आगे कुछ चैलेंजेस अब काफी कुछ कम हो गए हैं, आसान हो गई चीजें? नमस्कार सबको। नहीं, बिल्कुल, 2016 में जब से स्टार्टअप इंडिया आया है उसके बाद चैलेंजेस कम हुए हैं। देखिए, पहले आप अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की आप बात करो, वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट्स बोला जाता है इन सब चीजों को, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बहुत टाइम से चल रही है। तो वहां पे स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा स्टार्टिंग में वहां पे मिलता था, इससे उन लोग को थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में, जो क्योंकि स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज वो स्टार्टअप है तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आप स्टार्टिंग में उसका बेस बना लेते हैं तो फिर उसके बाद वो बिजनेस बन जाता है और उसके बाद फिर इनोवेशन आ जाती है उसमें। तो स्टार्टअप इंडिया जब से आया है, जब से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, या जिनके पास फंड्स नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको एक उम्मीद और एक किरण मिली है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं और एक कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे टैक्स रिबेट्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया में जो रजिस्टर्ड होते हैं, DPIT जिनके पास है, जैसे हम भी रजिस्टर्ड है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स इनिशियल ईयर्स में, ताकि कैश लिक्विडिटी बचे रहे, वो मिलता है। उसके बाद फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं, तो काफी बेनिफिट मिला है क्योंकि और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस बार क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं उस सब पे हमारी नजर है, बिकॉज जब हम एक डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, इसकी स्पीड अब एक्सीलरेट हो गई है इंडिया के लिए। जब हम बात कर रहे हैं लोकल मेक इन लोकल की और सारी चीजों की, तो स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी कनेक्शन है, तो वो सारा कनेक्शन जब बहुत अच्छे से होगा तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। वो चीजें टेंजिबली बहुत कम टाइम में नहीं दिखती है, बट इंटेंसिवली जब वो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं तो बहुत बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है। तो अभी तक बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं उसके कारण, और यंग एंटरप्रेन्योर्स खासकर, और आगे भी होती रहेंगी। स्पर्श जी, चूंकि आप इस फील्ड में हैं, तो क्या कोई ऐसी केस स्टडी है जो आपके आपके माइंड में या आपसे कभी टकराई हो, इस तरह की केस स्टडी जिसको सीधे तौर पर इसका फायदा मिला हो स्टार्टअप इंडिया को, और आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं। आप चाहे आप पूना अकेडमी लीजिए, बायजू लीजिए, स्टार्टिंग और बहुत सारे एग्रीटेक में स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 2016 के बाद स्टार्ट किया है। उन सबको इनिशियली बहुत बेनिफिट मिला है स्टार्टअप इंडिया से। उसके बाद उन इनिशियल बेनिफिट्स के बाद वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास गए, उन्होंने फंड रेज किए, उसके बाद उन्होंने जब वो बिजनेस पे आने लगा तो उनको टैक्स रिबेट्स मिली टेक्नोलॉजी में, रियल स्टेट टेक्नोलॉजी में। जैसे हम खुद रियल स्टेट टेक्नोलॉजी में हैं, हमको बहुत सारा बेनिफिट उससे मिला स्टार्टिंग में। उसके बाद वहां से हम लोग चल पाए, उसके बाद हम लोग बाहर के इन्वेस्टर से फंड रेज कर पाए। तो वो जर्नी बहुत बहुत कनेक्टेड जर्नी है। उसके बाद आज हम और बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी फंड रेज कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो चीज नहीं होती तो जितना भी उसके अंदर आपकी जितनी भी FDI टैक्स अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आपको रिबेट्स हैं कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो आपके आइडिया में
पैसा लगा रहे हैं उनको वहां पे आपको रिबेट्स मिल सकती है. पहले बहुत टफ होता था इंडिया में, टैक्सेशन ही इतना हो जाता था, तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बाहर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिंगापुर में जाके कंपनी रजिस्टर ज्यादा करते थे. तो अब वो चीजें रिबेट्स इतनी आ गई हैं कि अब बाहर जाके आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. आप यहीं पे रहिए, यहीं पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए और बाहर के इन्वेस्टर्स से यहाँ पे रेस करिए और फिर उन कंट्रीज में जाके अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करिए. क्योंकि मेन आइडिया ये है कि पहले अब आप बड़ी कंपनीज कुछ लीजिए, वॉलमार्ट लीजिए, उबर लीजिए, बाहर से ये कंपनीज इंडिया में आई है. बट अब आप ओला लीजिए, फ्लिपकार्ट लीजिए, कुछ और कंपनीज लीजिए, वो इंडिया में बेस बना के अब बाहर एक्सपेंड कर रही है जी. तो वो हमारे लिए एक स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए हमारे लिए एक अचीवमेंट है. अगर हम यहाँ से चीजें बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर के मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं और हमारी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी सर्विसेज हैं, तो दैट इज द ग्रोथ. और उसमें स्टार्टअप इंडिया का बहुत बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. रवि पासी जी, यानी कि मतलब जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है जो उठाया गया था सरकार की तरफ से. मैं अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करूं, तो एज ए इंडस्ट्री कितना ये इसको ग्रो करने में, ये जो स्टार्टअप इंडिया है, ये कितना कारगर साबित हो रहा है? कोई केस स्टडी अगर आपके पास हो, आपके नॉलेज में हो. जी मैंने अभी हमारा जो हमारे एग्जीबिशन के अंदर जी बोलिए रवि जी. जी जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन लगती है ग्रेटर नोएडा के अंदर ट्वाइस ए ईयर, उसके अंदर हमने बड़े ऐसे नए नए यंग बच्चे देखे हैं, उनसे हम पूछते भी हैं, उनको करेज भी करते हैं कि आपने ये काम कब शुरू किया था और आपको क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं. बड़ी कई बार खुशी होती है ये जान के. कई जो नए स्टार्टअप्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट हमने अपने आप डिजाइनिंग की, लाइक के जैसे लिनन के ले लीजिए या कोई और दूसरे हैंडीक्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, जिनके अंदर उन्होंने प्रॉपर वे से अपनी डिजाइनिंग की है. और वो ये खुद कहते हैं कि जी हमारे पास एक साल दो साल के लिए हमारे बायर्स ने बोला भाई तुम हमारे लिए काम करते रहो. तो ऐसे हमारे एग्जीबिशन के अंदर कम से कम भी हर साल आप लगा लीजिए अगर 3,300 एक्सपोर्टर करते हैं तो आप 20% 15% लोग जो नई यंग जनरेशन है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वो हमेशा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये काम करते हैं. ये कोविड की मैं अभी बात करता हूं कि जैसे हमारा फेयर अप्रैल में लगना था तो बड़े यंग जनरेशन थी, बड़ी अपसेट होगी. हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको वर्चुअल शो लगाएंगे. तो हमने 3 और 4 वर्चुअल शो अभी तक लगा दिए और इनकी जो हमें फीडबैक है कि यही यंग जनरेशन जिनका टेक्नोलॉजी के अंदर काफी हाथ साफ है, इन्होंने अच्छे काम किए. अभी भी इनके पास इंक्वायरीज आ रही है और ये अभी भी कह रहे हैं कि अगर चलो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, हमारी लाइफ चेंज कर दिया है, मगर अब हम ये करने जाएंगे कि फिजिकल शो भी लगेगा, इसके साथ साथ वर्चुअल शो भी चलेगा सारे वर्ल्ड के अंदर. जो बायर नहीं आ सकते, जो हमारे नए स्टार्टअप्स पैसा इतना नहीं खर्च सकते, वो घर से भी अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, धन्यवाद जी. ठीक है सर. किरण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा. अभी देखिए बहुत बदलती हुई दुनिया है और बहुत कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, और ऐसे कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में इस तरह की जो योजनाएं हैं ये किस तरीके से मतलब देश के विकास में हेल्प करती है? और मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं हैं वो बदलती दुनिया में केटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है, तो ये बहुत बेहतरीन मौका रहता है युवाओं के लिए खासतौर पर. ऐसी योजनाएं एक दिशा तो दिखाती हैं, प्लस एक अपने अंदर भी एक विश्वास जागता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं. अब आजकल के युवा की अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली हमारे साथ 250 लोग जुड़े हुए हैं और सारे यंग यू नो टीम मेंबर्स हैं और इतनी उनमें इच्छा है काम सीखने की, काम डिलीवर करने की. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी यंग जनरेशन को काम करते हुए देख के अभी कोविड के दौरान हमने क्या किया कि हमने स्ट्रेटेजाइज किया, प्लानिंग की कि अगर हम कंपोनेंट्स बाहर से कितनी ले रहे हैं उनको कम कैसे करें. वो कम ऐसे ही होंगे कि हम इंडिया में ढूंढें. इंडिया में हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें लगा कि हम ये कर सकते हैं. और सारे यंग लोग हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे, जैसे पीसीबी
डिजाइन होता है, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग होती है, या पॉलीकार्बोनेट होता है, या एबीएस होता है, उसके यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे वेंडर्स हैं जो अपनी स्किल के वजह से ये सब केपेबल है करने के लिए, और हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे और हम साथ मिलके ये अचीव करेंगे। और आजकल के युवा के लिए ऐसी योजनाएं जो आती हैं, एक आजकल क्या है कि हम जनरली एक फैंसी करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड होगा हम उसको फैंसी करेंगे, बट अब ऐसी योजना जो आत्मनिर्भर भारत की योजना आई है कि हमें यहीं पे बनाना है, इंडियंस के लिए ही बनाना है और बनाना भी इंडिया में ही है, वो योजना एक हमारे अंदर एक प्राइड जगाती है कि इंडियन ब्रांड में भी उतनी ही कब जगाएगी कि अगर हम क्वालिटी वैसी दे रहे हैं और जहां तक रही प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट एक दिशा तो दिख ही रही है, और युवाओं को भी उतना ही प्राइड होना चाहिए एक इंडियन ब्रांड को अपनाने में, युवा हो गए या जैसे हम काफी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हमने हायर एजुकेशन में, स्टेट एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में इतना काम किया है, तो अब जो परचेज गाइडलाइंस में भी प्रेफरेंसेस आ रही हैं, जैसे 200 करोड़ के नीचे लोकल ब्रांड को अपॉर्चुनिटी देनी है, तो अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तो हम एक बहुत ही स्ट्रांग कंट्री की तरह इमर्ज करेंगे। जी ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बस मुझे एक में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी कि इस योजना को वो शुरू करने जा रहे हैं, और 16 जनवरी 2016 से इस योजना की शुरुआत हो गई थी, और आज भी 16 जनवरी 2021 पांच साल हो गए हैं, और इसीलिए एक शिखर सम्मेलन को भी अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया की योजनाओं को बढ़ाया जाए ताकि देश के युवाओं की इस बदलते परिदृश्य में जिंदगी बदले और वो जिनको रोजगार दें उनकी भी जिंदगी बदले। इस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ कई उद्यमी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर सीपी शर्मा साहब के पास चलूंगा। शर्मा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या किस तरह के आइडियाज का वेलकम करते हैं, क्या कुछ स्पेसिफिक आइडियाज होते हैं, क्या देखा जाता है कि क्या ये रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि युवा अगर आपके पास आता है आइडिया लेके तो उसको शुरू में क्या देखा जाता है, किस तरह से उसकी स्क्रूटनी की जाती है, कुछ स्पेसिफिक आइडियाज होते हैं जिनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है या क्या देखते हैं? देखिए, जो नए स्टार्टअप या नए बच्चे जो यंगस्टर हम लोगों के पास जुड़ते हैं तो उनका सबसे पहले आइडिया होता है कि नई क्रिएशन करें, हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं जो इको फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन ना करता हो। वो बच्चों का बड़ा इको फ्रेंडली माइंड रहता है कि भाई हम वो चीज बनाएं जो समाज के काम आए, जो कॉम्पिटेटिव हो, जो सॉफ्ट लुकिंग हो। तो जैसे हम लोग जैसे कुशन कवर बनाते हैं या लिनन कर्टन्स बनाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि जो कलर फोरकास्ट है वो लेटेस्ट गर्मियों का कौन सा कलर यूज किया जाए, कपड़ा कौन सा सॉफ्ट है वो कैसे यूज किया जाए। तो इस तरीके के हमारे पास आइडियाज हम देते हैं बच्चों को, और जो भी बाजार में प्रोडक्ट होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं जो उससे बेस्ट क्वालिटी बना सकते हैं, वो लोग अपना दिमाग से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास हमारे बेटे ने जैसे नया ब्रांड लॉन्च किया है कुशन कवर के लिए और बेड लिनन के लिए, तो वो उन लोगों ने नए प्रोडक्ट बनाए हैं, नए सॉफ्ट लुकिंग प्रोडक्ट, नए कलर्स के साथ, नए एड ऑन एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो बच्चे अपने दिमाग से अपना अपने एनालिसिस खुद करें, क्योंकि हम लोग बेसिक आइडियाज दे सकते हैं कि अभी तक ये चल रहा था, आगे क्या चलेगा बच्चे अपने आप सोचते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इसके अलावा भी देखिए, ई कॉमर्स आने से, क्योंकि सभी प्रोडक्ट जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप आ रहे हैं, वो ई कॉमर्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स में सबसे फायदा ये है कि आप बिना किसी जगह जाए, बिना पेट्रोल फूके, उसमें भी सरकार, उसमें भी हमारे नेशन की बचत है कि हम लोग पोल्यूशन ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, उसमें जॉब्स मिलती हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको भी जॉब्स मिलती हैं। इसमें इसके अलावा उनकी रिफंड पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो 30 दिन या 60 दिन के बाद भी आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। तो इसमें थोड़े से चेंजेस होने चाहिए क्योंकि कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। बाकी आइडियाज तो देखिए, बच्चे काफी काम करेंगे तभी नए आइडियाज आएंगे। मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत कम परसेंटेज है जो अभी लोग आए हैं आगे। काफी लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में थे, हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, प्रिंटिंग है, डाइंग है, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी
सोचने का नया स्टाइल है, नए तरीके हैं, उससे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा दीपा जी, एक चीज और जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है वो ये है कि मतलब अगर कोई आइडिया लेके आता है तो क्या उसमें इनिशियली पोटेंशियल भी देखा जाता है कि ठीक है आइडिया में कितना पोटेंशियल है, ये एक चीज हो गई। क्या ये भी जज किया जाता है कि वो जो आइडिया है या जो एक नया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कोई आवेदन कर रहा है तो वो और कितने लोगों को नौकरी दे सकता है और कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, क्या ये भी काफी कुछ डिपेंड करता है? जी जी दीपा जी, जी बिल्कुल नहीं, ये दीपा जी से सवाल था सर, मैं आपके पास आऊंगा अवधेश जी, अभी ये दीपा जी से सवाल था। दीपा जी बोलिए। आइडिया जो है वो कारगर है और किस तरीके से एक सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। तो बेसिकली जब एक स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है तो उस आइडिया को तरह तरह से देखा जाता है, दो तीन तरीके से, क्या इस आइडिया में इतना दम है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, क्या ये एक सोशली एड्रेसेबल प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, क्या इसको तीसरा जो आइडिया आज बच्चों से मिलेंगे 20-25 बच्चों से 3D प्रिंटिंग है जैसे और आप कैंसर हेल्थ पे है, किस तरीके से हम इसमें एक उन्नति ला सकते हैं अपने देश में हेल्थ के। फिर उसके बाद फेस रिकॉग्निशन है, जैसे हमारा एयरपोर्ट्स पे है या हमारी और कई जगह पे रेलवे स्टेशन पे है, तो फेशियल रिकॉग्निशन और कोविड को लेके थर्मल सेंसर से लेके ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो सरकार में भी कारगर हो सकते हैं। जब आप बात करें स्मार्ट सिटीज की, जब हम बात करें IoT कनेक्टिविटी पिछले 2-3 सालों से, तो इस तरीके के आइडियाज आके एक समस्या का समाधान करें उनको बहुत अच्छी फंडिंग मिल जाती है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि वे जो फाउंडर है प्रोजेक्शन क्या लेके आ रहे हैं, कि उनमें एक तो पैशन कितना है नंबर वन, और नंबर टू कि अगले आने वाले 3-4 सालों में वो किस तरीके से टीम बनाएंगे, उनकी अभी टीम क्या है और किस तरीके से वो रेवेन्यू क्रिएट करेंगे अगले 2-3 साल। अच्छा दीपक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, ऐड कर रहा हूँ मैं इसी में, क्योंकि आप स्टार्टअप कोच भी हैं, तो जब आपके पास इस तरह से कोई आइडिया लेने आता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अगर उनसे रिलेटेड कोई केस स्टडीज अगर आप हमको बताएंगी तो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर एग्जाम्पल भी आगे जाएगा। बात पूरी कर लीजिए उसके बाद अगर आप बताना चाहें। सूरज जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बहुत सारे बच्चों से, मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में करीबन 300 बिजनेस स्टूडेंट्स और 250 के आसपास स्टार्टअप से मिले, और पहले तो उनका ये कंफ्यूजन होता है कि आइडिया कैसे ढूंढे, सबसे बड़ी बात ये, और आइडिया ढूंढ लिया तो वो कितना कारगर है। बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ कि जैसे अभी हम किसी लेडी से मिले, तो उन्होंने जैसे GE में काम किया है, तो कैंसर हेल्थ पेशेंट्स के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक क्रिएट किया है प्लेटफॉर्म जिसमें वो कैंसर हेल्थ पेशेंट्स को एड्रेस करे ताकि उनको डॉक्टर्स ढूंढने में परेशानी ना हो, और उनका पूरा जर्नी वो क्रिएट किया है। तो वो एक नीश है कि देखिए हॉस्पिटल हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करे, बट कैंसर तो बहुत अच्छी उन्होंने एक ये पर्टिकुलर पकड़ा है। दूसरा फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी में एक टीम खड़ी करना और फेशियल रिकॉग्निशन में इनोवेशन लेके आना, तो ये थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों को लग रहा होगा सुनने में, बट बहुत नए नए आइडियाज आ रहे हैं जगह जगह। तो केस स्टडी जो है आपकी, आप जो मर्जी उठा लीजिए, बहुत सिंपल है। एक बच्चे अभी IIM से एक बच्चे ने क्रिएट किया, तो स्टडी मटेरियल आप करते हैं कि क्वेश्चन ध्यान देने से पहले 15-20 सवाल क्वेश्चन, AI बेस्ड डिक्शनरी बनाना, बहुत ही इनोवेटिव बड़े सिंपल से सोल्यूशन है, और इन्हीं में छुपा हुआ है यूनिकॉर्न बनने का राज। यूनिकॉर्न जब हम बोलते हैं बायजूस जैसे लोग जिन्होंने प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके 1-1 हजार करोड़ की कंपनी बनाई। तो दीपा जी, ऐसे भी लोग होते होंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोगों से मिलती भी हैं, जैसा कि आप बता रही हैं बहुत लोगों से आप हाल फिलहाल में मिली भी हैं, तो मुझे लगता है ऐसे भी शायद बहुत सारे केसेस होंगे जो कि बहुत वेल सेटल्ड हैं लेकिन अच्छी जॉब्स में हैं, लेकिन वो ये चाहते होंगे कि नहीं भाई अपना हमको कुछ करना है, तो इसीलिए अब इस स्टार्टअप का हम फायदा उठाएं, तो वेल सेटल्ड जॉब से छोड़कर वो लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, कुछ इस तरह के केसेस भी रहे होंगे जरूर मुझे लगता है आपके नॉलेज में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, आधे से ज्यादा जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं उनको यही जद्दोजहद है कि जो एक सेटल नौकरी छोड़कर रिस्क लेना बहुत बड़ा फैक्टर है, या तो आपका कोई पार्टनर है, फादर है, मदर है, या आपका कोई पार्टनर है या फैमिली मेंबर है जो आपको क्राउड फंडिंग करे, या आपको जिसको हम कहते हैं सीड कैपिटल, आपकी अपनी सेविंग जोड़ के आप आए, तो वो सब चीजें प्लान करना, और इस ऐसी स्थिति में स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ी मदद है, क्या है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अमेजोन कंपनी है तो क्लाउड में इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, वो बेनिफिट सरकार पैकेज कर रही है,
और वो ही है कि रिस्क लेना और हिम्मत नहीं छोड़ना और रिस्क लेने के उसको बैलेंस करना कि आइडिया में इतना दम है तो रिस्क लीजिए और कोई हर्ज नहीं है अगर 2-3 साल नौकरी करने के बाद आप आते हैं इस दिशा में बाहर बड़ी कंपनियों से सीख के तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कुछ स्टार्टअप्स है, हमारा रोपोजो है, इनमोबी है, नवीन तिवारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैका में है, फाल्गुनी नायर बहुत बढ़िया टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो लोगो है जैसे क्लाउड में बहुत बढ़िया $1 बिलियन कंपनी है और इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी कंपनियां खरीदी हैं। जो हमारी मल्टीनेशनल्स हैं इनको बढ़ावा देने की जरूरत है और पॉलिसी रेगुलेशन में बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है इसके साथ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्पर्श खंडेलवाल जी, जैसा कि अभी दीपा, ठीक है मैं आपके पास आता हूँ। स्पर्श खंडेलवाल जी, जैसा कि अभी दीपा जी ने बताया कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर होता है, एक झिझक होता है। खैर कैपिटल की समस्या तो ये जो स्टार्टअप इंडिया सॉल्व कर देता है, लेकिन फिर भी एक डर होता है, झिझक होता है कि कामयाबी मिलेगी या नहीं, या सफलता का प्रतिशत कितना रहेगा, कैसे रहेगा, क्या नहीं रहेगा, बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं दिमाग में। तो अगर आपको लगता है कि इसके लिए एक काउंसलिंग अगर हो एक ऐसे बंदे की जो आगे बढ़ना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको बहुत हेल्प मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल मिल सकती है। काउंसलिंग या फिर और अच्छे से बोलें तो जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, बिल्कुल जितने भी हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री के, नॉन इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट के, तो अभी लेटली ये पिछले 5-6 साल में एक प्रैक्टिस शुरू हुई है एडवाइजरी की, चाहे एंटरप्रेन्योर्स यंग हो 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में एडवाइजर्स ने काम किया हुआ है, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं। अब चाहे वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन के हो, इनफॉर्मल फ्रेमवर्क के थ्रू एडवाइजरी एक स्ट्रक्चर होता है स्टार्टअप के अंदर, जिसके अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग बस आपको छोटे से आपके स्टेक के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवाइस कर सकते हैं, आपको काउंसिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं सही डायरेक्शन में जाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेकेंडरी चीज आती है। अगर काउंसलिंग है और एडवाइजरी है उसका एडवांस वर्जन और अच्छे फ्रेमवर्क से है तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि परसीवरेंस आता है, रेजिलियंस आता है, बिलीफ सिस्टम आता है, विजन आता है। और मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर आप देखिए जितने भी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, यूएस, जी जितने भी टॉप टॉप कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इंडियंस हैं, राइट? सो द मैनेजमेंट स्किल, द परसीवरेंस स्किल ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबसे ज्यादा है, तभी वो उन टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वहां पे। तो दैट इज देयर इन इंडियंस। इट्स जस्ट दैट एवरीबॉडी नीड्स अ लिटिल शेप एंड जब और स्टार्टअप्स करते हैं और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलता है तो फिर जो और नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देखते हैं। अब आप ओयो में रितेश अग्रवाल को जब उन्होंने 22 साल में 23 साल में स्टार्टअप को इतना ग्रो किया तो और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी लगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी वो रिस्क ले सकते हैं अगर कोई और कर सकता है तो एग्जाम्पल सेट होते हैं। तो सारी चीजें हमारे पास हैं, थोड़ी सी और डायरेक्शन, थोड़ा सा और रेजिलियंस और हम लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। बिल्कुल। अवधेश अग्रवाल जी, एक और बात कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की, जो लोकल चीजें उनको भी बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, आपको लगता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या किसी जगह की कोई स्पेशलिटी है, कोई खास बात है उसकी, विशेषता है उसकी, उसको भी आगे बढ़ाने में सहायक होगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कुछ इस तरह के केसेस, जैसे अब चाय है बहुत बहुत आम है, सब घर में बनती है, लेकिन चाय को लेकर अपना स्टार्टअप खड़ा कर दिया। सत्तू है, सत्तू आम मिलता है लेकिन सत्तू को लेकर अपना स्टार्टअप खड़ा कर दिया। तो ऐसी छोटी छोटी जगह की चीजें हैं जो हम आम जिंदगी में कर रहे हैं लेकिन उसको आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो ये उसमें भी, उस तरह की चीजों में भी सहायक है? लोकल जो चीजें हैं उनको हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं इसके जरिए? बिल्कुल दे सकते हैं। और सबसे सबसे ये सबसे खास बात है इस चीज की, ये अवधेश जी के लिए सवाल था, मैं आपके पास आऊंगा अवधेश जी। ये जो बड़ी बड़ी बातें जितने भी हम बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी की इस बात को मानते हैं कि मेरे देश की जो आत्मा है वो मेरे कारीगरों में छुपी हुई है, मेरे किसानों में छुपी हुई है। जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, मुरादाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, जो 3 लाख आर्टिजन्स हैं, ये गरीब लोग हैं, और इनको हम कैसे स्टार्टअप दें या कैसे हम आगे बढ़ाएं, मैं इनकी बात करूंगा। जी जी जी। मैं कुछ बात कहता हूँ, वो मैं कहना चाहूंगा 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको। ये कशमकश है जिंदगी की, कैसे बसर करें, पैर को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें,
देखिए जीवन है ये, इस स्टार्टअप के लिए हमने जो ये 3 लाख आर्टिजन्स हैं या 3,000 निर्यातक हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया कि पहले ये लोग कहा करते थे कि भाई हमारा कंपटीशन चाइना से है, हम चाइना से हार रहे हैं, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, और इन 2 सालों में ये फर्क आया है कि चाइना हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। हमने इस स्टार्टअप के माध्यम से अपने आर्टिजन्स को, अपने कारीगरों को, अपने निर्यातकों को मजबूत करने का काम करा है कि जो छोटी ये रीढ़ की हड्डी है, टाटा बिरला अंबानी सब बन सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे लोग हैं जिनकी आय 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए पर डे थी, इनको हम जीवन में कैसे ऊपर की तरफ लाएं, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है और हम इसमें पूर्णतया सफल भी हुए। और हमें आशा है कि बहुत जल्दी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अब हम आईपैड के माध्यम से अपने भट्टी के कारीगर को, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छा है अवधेश जी, अगर इस तरह की चीजों में और स्टार्टअप्स होंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रोजगार मिलेगा, जिनका जीवन स्तर सुधरेगा अगर स्टार्टअप शुरू होते हैं इस तरीके से। जी जी जी, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा गरीब वर्ग है, अंतिम व्यक्ति जो है, हम उसको ऊपर उठा के कैसे लेके आए। बड़े को बड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम छोटे को कैसे बड़ा बनाए, जो लोग कोविड में खत्म हो गए थे या जिन लोगों के कारोबार चले गए थे, हमारी इंडस्ट्री ने उन लोगों को बाहर निकालकर इज्जत के साथ जीना सिखाया है, और आज हम चाइना से कम्पीट करके और एक अपने देश के निर्यात को बढ़ावा देके बहुत बड़ा काम अपनी देश सेवा का कर, ये सब इस स्टार्टअप के माध्यम से संभव हो पाया है जी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण हो पाया है, एमएसएमई के कारण हो पाया है, ओडीओपी के कारण हो पाया है। तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये हम इससे अपने निचले वर्ग को जितने भी है आगे लाकर अपने देश को भी बढ़ाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हाथ मजबूत करेंगे और अपने देश को भी मजबूत करेंगे, ऐसा मेरी सोच है जी। बहुत अच्छी सोच है रवि पासी जी। देखिए सुधार की गुंजाइश कहते हैं कि हर जगह होती है, और क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐसे एडवांस किए जा सकते हैं कि इसका फायदा और ज्यादा लोगों तक पहुंचे? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। मैं एक आपको अभी जो रियलिटी है कल की, जी जी, के दो यंग मियां बीबी जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे और कल उन्होंने मुझे फोन किया कि सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी हमारी फादर की चांदनी चौक के अंदर एक दरीबा गला में छोटी सी सिल्वर की दुकान थी, काम चल नहीं रहा था क्योंकि उनका जो तरीका था वो वही वाला पुराना था कि बर्तन बनाओ और ये करो, मगर वो कुदरती मुझे एक मॉल के अंदर मिले। उन्होंने बोला जी हमने यहाँ पे कोई छोटा काम करना, आप कैसे गाइड करेंगे? मैंने कहा एक तो अपना वहां से हटो, चांदनी चौक से आप इधर निकलो, और जो अपनी डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है प्लस कलर फोरकास्ट है। उन्होंने बोला जी ये कहाँ मिलेंगी? मैंने कहा मिलेंगी नहीं, मैं आपको अभी आने वाले 1 महीने के अंदर दोनों की सेमिनार हो रही है मगर 2-2 घंटे तक चलेगी, आप जितने क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं करें आप। तो उन्होंने उसकी डिजाइनिंग और कलर फोरकास्ट की वजह से आज वो 2 थे पहले, मगर उन्होंने 6 शोरूम खोले हैं जिसके अंदर 4 लोगों को काम भी दिया है एंड दे आर सो हैप्पी। नाउ दे आर आस्किंग के एग्जीबिशन को पार्टिसिपेट करना है, वो भी मैंने उनको 2 बार पार्टिसिपेट करवा चुका हूं यहाँ पे डेली फेयर के अंदर, और अब उनकी ये प्लानिंग हो रही है कि हम कई चीजें जो एग्जीबिशंस हैं थोड़ी बाहर भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं और बॉम्बे भी लगाएं ताकि लोगों को और रोजगार मिले। तो ऐसे लोग दिन में बहुत आते हैं जिनको कम से कम के मेरे को ध्यान है कि मैं रोज 20 एक्सपोर्टर्स से भी बात करता हूँ, स्पेशली जो छोटे हैं और नए स्टार्टअप्स हैं। जैसे मकराना से किसी ने मुझसे पूछा जी हम कैसे अपनी डिजाइनिंग करें, तो मैंने उनको ये बोला कि हम आपको अपने डिजाइन वाली जो भी हैं उनसे टीम से बात करवा देते हैं, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे जी। तो इस वजह से हम तो पूरे स्टार्टअप्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए लगे हुए हैं कि इनकी जितनी हेल्प होती है हम इनकी जी जान से करेंगे, और ये इसी वजह से अगर इनका काम अच्छा होगा तो इम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी। धन्यवाद जी। अच्छा दीपा जी एक सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि अभी रवि पासी जी ने भी बताया कि लोग इस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं कि कैसे करें क्या करें, तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठकर ये आया है कि देखिए बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में चलते हैं, मार्केटिंग के लिए है, फाइनेंस के लिए है, अलग अलग कोर्सेज हैं जो आदमी को जो एक आदमी का
मजबूत करता है जो एक शख्स अपने जीवन में करना चाहता है उसमें मजबूती देता है, वो कोर्स हम इसलिए करते हैं कि एक दिशा दिखाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार्टअप को से रिलेटेड भी कोई कोर्स हो या एक पढ़ाई हो या एक एक पूरा करिकुलम सेट किया जाए जो लोग सोच रहे हैं स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि युवा बहुत सोच रहे हैं आजकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये उस पर हेल्प कर सकेगा? बिल्कुल रोहित जी, ऐसा कर भी रहे हैं कई लोग और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि क्योंकि मैं अब इंडस्ट्री में बात करती रहती हूँ, तो अब चेंज आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने हमें बताया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब कार्यरत है। आठवीं कक्षा के बाद कई कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगी। और आप कोई भी स्टार्टअप करें, सभी सज्जन जो मेरे साथ पैनल में है, अगर आप आर्टिसंस के साथ भी काम कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी में कार्यरत होने के लिए बढ़िया तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी छोटी छोटी बेसिक से कोर्स आ गए हैं जो बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो बच्चों की जो पढ़ाई है, जो स्किल सेट है वो भी चेंज होगा। और जो कॉलेज के करिकुलम है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के बहुत फोकस रखना अब जरूरी है। और जितने भी शिक्षा संस्थान अगर हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि एक छोटा सा बदलाव वहां भी हमें चाहिए, जिसमें बच्चों एक बेसिक माइंडसेट उनको एंटरप्रेन्योरशिप से लेके उनको खड़ा किया जाए, ताकि बचपन से ही उनमें कुछ अपना करने की लगन। और इससे हमारा जो जीडीपी है और हमारा जो ओवरऑल कंजप्शन पैटर्न है, बिल्कुल, और एक कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है हम देख रहे हैं, उस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में फिर हिंदुस्तान का एक अपना अलग और नया मुकाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो केस स्टडीज आपने हमारे साथ शेयर करी। मुझे लगता है कि जो युवा हम लोगों को देख रहे होंगे, शो को देख रहे होंगे, जाहिर तौर पर उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी और उन्हें एक दिशा मिलेगी कि किस तरीके से अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो क्या टेक्निकलिटीज हैं, किसको फॉलो करना है और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।